फिल्म शमशेरा का दूसरा गाना फितूर रिलीज हो गया है, जिसमें वाणी और रणबीर की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। ये गाना रेगिस्तान की खूबसूरत लोकेशन पर शूट किया गया है, जो इसे और खास बना रहा है। बॉलीवुड के चुलबुल पांडे सलमान खान की फिल्म दबंग के तीनों पार्ट के सक्सेस के बाद दबंग 4 जल्द ही बनाई जा सकती है। अब इस फिल्म पर काम भी शुरू कर दिया गया है। रिपोर्टेडली तिग्मांशु धूलिया स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और वो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दबंग सलमान की सबसे हिट फिल्मों में से एक रही है। पंगा क्वीन कंगना ने करण जौहर के फेमस चैट शो कॉफी विद करण पर सीधा वार किया है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस शो को सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। कंगना ने क्या लिखा देखिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। लीना के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने काली फिल्म के प्रोड्यूसर लीना मणिमिकलाई के उस पोस्ट पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने काली का पोस्टर शेयर किया था। बता दे, काली के पोस्टर में माँ काली को सिगरेट पीते दिखाया गया था। इसके साथ ही उनके एक हाथ में LGBT समुदाय का सतरंगी झंडा भी नजर आ रहा है। तभी से ये कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई। तापसी पन्नू इन दिनों अपनी फिल्म शबाश मिट्टू को लेकर लाइमलाइट में छाई हुई हैं। तापसी और इंडियन क्रिकेटर मिथाली राज ने मुंबई में ऑर्गेनाइज हुए एक इवेंट में मीडिया जर्नलिस्ट के साथ क्रिकेट खेल चौका छक्का मारा। डालिए इस वीडियो पर एक नज़र। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने इशारों ही इशारों में लीना मणिमिकलाई पर वार किया है। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया और मां काली की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि शिमला में मां काली का कालीबाड़ी मंदिर काफी पॉपुलर है। बचपन में फैमिली के साथ कई बार इस मंदिर में मां काली के दर्शन करने के लिए जाता था। बूंदी का प्रसाद मेरा फेवरेट था। दूसरी ओर मंदिर के बाहर कुछ साधु संत ये बोलते हुए भी नजर आते थे कि जय मां कलकत्ते वाली, तेरा श्राप न जाए खाली। आज मुझे उन साधु और मंदिर की बहुत याद आ रही है। खैर, समझदार के लिए इशारा काफी है कि अनुपम खेर ने किस पर टॉन्ट मारा है। हाल ही में मिस इंडिया का ताज अपने नाम करने वाली सिनी शेट्टी जल्द ही सिनेमा की दुनिया में कदम रख सकती हैं। रिपोर्टेडली सिनी शेट्टी जल्द ही टॉलीवुड स्टार जूनियर NTR की फिल्म NTR 30 में नजर आ सकती हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक मेकर्स ने किसी भी तरह का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। क्वीन कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के फ्लॉप को लेकर आई कई खबरों के बाद अब कंगना का गुस्सा फूटा है और एक्ट्रेस ने सीधा बॉलीवुड पर निशाना साधा है। दरअसल कंगना ने एक स्टोरी शेयर की, जिसमें इस साल की बिग बजट फिल्में जैसे आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी, रणवीर की 83, वरुण कियारा की जुग जुग जियो के फोटो शामिल है, जिस पर फ्लॉप का स्टैम्प बना हुआ है। इसी के साथ कंगना ने कैप्शन में लिखा है कि रोज मैं उठती हूँ तो मुझे धाकड़ के फ्लॉप होने के 100 से ज्यादा आर्टिकल्स दिखते हैं और कोई भी इन डिजास्टर फिल्मों के बारे में नहीं बोलता। कोई स्पेसिफिक कारण? बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय कार्तिक आर्यन इन दिनों यूरोप की वादियों में मजा उठा रहे हैं। अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक्टर ने कुछ फोटो शेयर किए, जिसमें वो वेकेशन का लुफ्त उठाते दिख रहे हैं। डालिए एक नज़र। जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस सोई हुई नजर आ रही हैं। वीडियो कैप्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्ट्रेस अपनी फिल्म गुड लक जेरी का प्रमोशन कर रही हैं। डालिए एक नज़र।